परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में पप्पू यादव चाहता है कि कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि मिले और चिराग जी आए और बिहार को नेतृत्व करे। 30 साल की जो राजनीति है बिहार की, जो महापाप है, एक कुकर्म है सर। हर परिस्थितियों में चिराग पासवान जी, पप्पू यादव और भी कुछ न्यू चेहरा जो बिहार को 30 40 साल 50 सालों के गंदी राजनीति से निकल के। मैं नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो लड़ाई है वो फाइनल दौर में पहुंच चुकी है और आज चिराग पासवान ने आपात बैठक बुलाई थी। और इस बीच एक और खबर निकल के आ रही है कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। इस खबर की तस्दीक हम खुद पप्पू यादव से करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव हैं। क्या आपने कोई मुलाकात चिराग पासवान से की है? तो समझ में नहीं आता है भैया, ना हम 3 महीना 13 महीना उनको कहाँ, हम रात में लौटते हैं, हम एक ही पक्ष है मेरा कि 77 लाख लोग सड़क पर हैं, बाथरूम नहीं है, शौचालय चापाकल नहीं है, राशन नहीं है, रहने का जगह नहीं है, उनकी ज़िंदगी पहले कैसे सेव हो। बार बार मुलाकात, रिश्ते तो हमारे पारिवारिक हैं, रामविलास जी फादर का रिश्ता, दादी का रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता, अब उस रिश्ते में हमेशा एक नया कयास लगाते रहना, मुलाकात बात होती रहती है हमारी, कई सारे संदर्भों में पारिवारिक व्यक्तिगत बात होती रहती है। सवाल मुलाकात या ना मुलाकात का नहीं है, सवाल अभी बिहार का है, बिहारी का है। देखिए, एक ट्वीट नरेंद्र मोदी ने पहली बार बिहार की सच्चाई के बारे में कहा कि देश में आज बिहार इतने बड़े संक्रमण में, यह सच्चाई है कि पॉजिटिव केस सबसे अत्यधिक और जांच की प्रक्रिया फेल। केंद्रीय टीम जाने के बाद जिस तरीके से NMCH के सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, बिहार की सच्चाई को ट्वीट किया, उस ट्वीट को रामविलास जी ने रीट्वीट किया, तो आप कालिदास, चिराग जी ने रीट्वीट किया तो आप कालिदास कह दी। तो चलिए, जदयू को शुद्ध बुद्धि हो, कालिदास बहुत ज्ञानी और बहुत पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, तो कम से कम आपने चिराग पासवान जी की काबिलियत को स्वीकार कर ली तो आपको बधाई। नरेंद्र मोदी जी ने जब ट्वीट किया तो आप कुछ नहीं बोले, तो चिराग पासवान और रामविलास पासवान आपको कमजोर नजर आ गए, तो आप कमजोर पर कालिदास। लोजपा की तरफ से जो ट्वीट और रिट्वीट का खेल JDU के खिलाफ खेला जा रहा है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ही सही है? अब मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है, आप खिलाफ कैसे कुछ बोलते रहते हैं? क्या एक दल में कोई, आप लोहिया और जयप्रकाश को देखिए तो आलोचना करते थे कि नहीं अपनी सरकार की? आप कांग्रेस में आप देखिए तो जब कोई उसकी सरकार सही नहीं चल रही थी तो आप एक स्वस्थ आलोच बातों को, जब हकीकत में बाढ़ और कोरोना की स्थिति बिहार में सही नहीं है और उनके ही घटक दल अपनी बात प्लेटफॉर्म से रख रहे हैं, जब कोई मुख्यमंत्री फोन नहीं उठाएंगे, नहीं सुनेंगे, जब आप राशन कार्ड के मामले में बात को नहीं समझेंगे, दाल और अनाज के मामले में बात नहीं समझेंगे, खाद्य आपूर्ति मंत्री है और रामविलास जी न सुशील डिप्टी CM से बात कर सकते हैं न कहीं, क्योंकि यहाँ तो पेड है, यहाँ भाजपा तो है नहीं, यहाँ कंप्लीट रूप से रामविलास नीतीश कुमार जी के बिहार भाजपा कंप्लीट पेड है, यहाँ भाजपा का कोई औचित्य नहीं है। केंद्र की भाजपा बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की भाजपा कंप्लीट JDU 2 है, आप इसको आप समझ लीजिए, भाजपा नहीं है।
अब नीतीश कुमार जी को कभी प्रशांत किशोर जी उत्तराधिकारी नजर आ जाते हैं और कभी नीतीश कुमार को खराब नजर आते हैं, कभी नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर किसी कीमत पर नहीं बनते देखना चाहते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी बड़े चीज़ों में हो जाते, कभी नीतीश कुमार जी अब सात निश्चय को यूपीए का निश्चय सात निश्चय है ना, एनडीए का तो है नहीं, तो यूपीए में सात निश्चय बर्बाद ही निश्चय लाए थे, और कभी लालू यादव बहुत अच्छे लगते हैं, तो नीतीश कुमार जी स्वस्थ बातों को आलोचना नहीं। मेरा सवाल यह है कि आपात बैठक जिस तरीके से लोजपा ने बुलाई उससे पहले आप चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं, टाइमिंग को लेकर आप कहते हैं कि पारिवारिक रिश्ते हैं, ये मुलाकात कहाँ मुलाकात नहीं की है। अब आप हमसे एक बात पूछिए, अब राजनीतिक रूप से आप मैं आपसे मुलाकात की ये पप्पू यादव ने आपको कहाँ मुलाकात की, चिराग जी ने आपको कहाँ मुलाकात की, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज बिहार एक विकल्प चाहती है, 30 साल की गंदी और 30 साल की। ये भी चर्चा है कि लोजपा जो है, ये आपकी जो पार्टी है वो लोजपा में शामिल होने जा रही है, इस तरह की खबरें भी चल रही है। 30 साल की जो राजनीति है बिहार की, जो महापाप है, एक कुकर्म है, बिहार को फिनिश कर दिया, और सुशासन बाबू उद्घाटन देवता बनते हैं और चुनाव एक महीना रहता है तो इनको आयवास और मैनिपुलेशन और मार्केटिंग से फुर्सत नहीं होता। आज भी जिस तरीके से गांधी मैदान में ट्वीट और रीट्वीट की बात कर रहे हैं, तो आप कालिदास और सूरदास के बीच में जो आपकी स्थिति है मुझको समझ में नहीं आता। आप बात बाढ़ पर करेंगे नहीं, कोरोना पर करेंगे नहीं, आप बात हालात पर करेंगे नहीं, अपराध पर करेंगे नहीं, आप बात जब कोई घटक दल आपको नेता बतौर सांसद चिराग पासवान को आप किस रूप में देखते हैं, कोई घटक दल आपको आईना दिखाती है तो उसको आप अहंकार में लेते हैं। आप मुझको समझ में नहीं आता है किसी भी परिस्थिति में। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में, आप समझ लीजिए, बिहार के मामले में सही संदर्भ था, नरेंद्र मोदी ने पॉजिटिव बातें पहली बार की कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, रामविलास पासवान जी लगातार चिराग पासवान जी सही संदर्भों में बात की, 30 साल जो हालात पैदा हुए उसमें बिहार की जनता 346 गांव हम घूम चुके हैं और 104 पंचायत, और मैंने देखा कि बिहार की जनता बतौर नेता बतौर सांसद चिराग पासवान को आप किस रूप में, अब एक न्यू एरा न्यू बात न्यू मैं तो कहा हूँ कि अपार संभावनाएं हैं, चिराग पासवान आए 900 में 90 हमारा, 90 में 30 दलित नहीं, 90 में 27 अत्यंत पिछड़ा नहीं, तो अलग से चुनाव लड़ते तो आप उनका समर्थन करेंगे बाहर। सर हर परिस्थितियों में चिराग पासवान जी, पप्पू यादव और भी कुछ न्यू चेहरा जो बिहार को 30-40 साल 50 सालों के गंदी राजनीति से निकल के, मैं तो कांग्रेस को बोलूँगा शुद्ध बुद्धि दे हे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, अशुद्ध बुद्धि दे हे भगवान, बिहार को बचाए हे भगवान, शुद्ध बुद्धि दे, और कांग्रेस समझे, और चिराग जी से आग्रह करेंगे पूरी संभावना बिहार आपको एक नई चेहरे के रूप में देख रहा है, मैं आपका स्वागत करूं। भैया जाति या गठबंधन के और हिंदू मियां के सवाल पर जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो जातियों में तो चिराग जी 6% है ये ना हो, और दलित को जोड़ दीजिएगा तो 28 है ना, तो 28% में क्या दिक्कत है चिराग जी को, जाति के आधार पर काबिलियत के आधार पर जब और लोग भी अनुकंपा ठेल ठाल के सब कुछ लोग होबे करता है तो चिराग जी एक विनम्र एक शालीन बिहार और बिहारियों की का एक रास्ता, और साथ साथ कम से कम जाति धर्म मजहब का हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड का ठीका नहीं ना रामविलास जी चिराग जी लिए हैं, इक्वल राजनीति करने की जो एक बेसिक पॉलिटिक्स है उसमें
फिट बैठते हैं, और मैं समझता हूँ अपार संभावना है चिराग जी में मुख्यमंत्री बनने का। बिहार 40-30 सालों के एहरा से निकलेंगे, आना चाहिए, मैं स्वागत करूंगा और बिहार को बचाने में चिराग जी के साथ खड़ा रहूँ। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप बाढ़ में आगे रहते हैं, कोरोना के दौर में भी सब जनता के बीच में, लेकिन चिराग पासवान जो है वो गायब थे, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनको बिहार में आगे आना चाहिए। एक बात बोल, जो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोरोना में गायब, पटना के बाढ़ में गायब, चिमकी में गायब, प्याज में गायब, NRC से गायब, अनुकंपा पर डिप्टी CM गायब, विपक्ष गायब, 15 साल पहले जिसको सत्ता में लोगों ने दिया वो गायब, मर्डर में गायब, जो 30 साल राजनीति किए, अब एक घटक दल में वर्तमान समय में जो सत्ता में हैं, अब भले नीतीश कुमार कहे कि वो BJP के घटक में है, JDU के घटक में लात मारे, और लगातार बिहार और बिहारी फर्स्ट, साल भर पहले भी चिराग जी निश्चित रूप से कोरोना के पहले बिहार के संदर्भों में कई सवाल खड़ा कर चुके हैं, बोल चुके हैं, निकले थे कोरोना वायरस के चलते, फिर उनकी रुक गई। या दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि कम से कम केंद्र और बिहार में एक दल, एक गठबंधन की सरकार, और उसमें अपनी बात मजबूती से वो कहीं से रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको एक सही दिशा मानिए। जब उन्होंने एक सलाह दी है तो रास्ता भी निश्चित उनको निकालना चाहिए। मैं बिहार के हित में आग्रह करूंगा रामविलास जी से, चिराग जी से, और कांग्रेस से बिहार बचाइए। और जो कांग्रेस बार बार छटपटा रहे हैं ना, जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, चिराग जी आए, हम लोग बिहार को बचाने का काम करेंगे। मुलाकात और नई मुलाकात के फेर में मत फंसिए। ये मुलाकात हुआ 4 घंटा, बात होगी तभी तो बात बनेगी, नहीं कोई जोड़ी नहीं, टेलीफोनों पर बात होती रहती है, सबसे बात बनेगी ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ पप्पू या 800 सांसद में और पूरे बिहार में पप्पू यादव 5 महीने से सड़क पर है ना, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर चाहेंगे बिहार को दिशा देने की। अब चिराग जी पर निर्भर करता है कि चिराग जी बिहार के 12.25 करोड़ जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी जो बनती है वो निभाते हैं। कि आपने कह दिया है चिराग पासवान से अपनी मुलाकात में कि आप आगे आइए, हम आपके साथ। अब तो मुझे समझ में नहीं आता है, आपने फेंक दिया, मैं तो 15 तारीख को बहुत पहले कहा हूँ कि मुख्यमंत्री पप्पू यादव को बिहार और बिहारी बचाने से फुर्सत है। क्या मुझको शौक नहीं है कि पप्पू यादव मुख्यमंत्री बने? हम सबसे ज़्यादा 72% हम सबसे ज़्यादा देश दुनिया में आज के डेट में सोशल मीडिया का एक आदमी कहता है पप्पू यादव मुख्यमंत्री बने, हमको भी सपना शौक है, हम भी बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, या बिहार की जनता चाहता है पप्पू यादव हमारा नेतृत्व करे। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थिति में पप्पू यादव चाहता है कि कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि मिले और चिराग जी आए और बिहार को नेतृत्व करे। पप्पू यादव बिहार और बिहारी बचाने के लिए किसी हद तक जाएगा, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहारी और बिहार को बचाने में आड़े नहीं आएगी। पहले बिहार और बिहारी, तब फिर कोई कुर्सी। यह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान CM बने और ये उनका समर्थन करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।